हेलो एवरीवन, स्पाइस बॉक्स में हमने बनाई है बहुत प्रकार की चाइनीज डिशेस। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी चाइनीज डिश जो मिलती जुलती है पास्ता से, लेकिन पास्ता नहीं है। इसे कहते हैं चाइनीज बारबेक्यू टोफू विद सेसमी नूडल्स। ये रेसिपी बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली है। जो सामग्री चाहिए वो है उबले हुए नूडल्स, टोफू, स्लाइस किए हुए गाजर, सफेद भाग हरे प्याज का, हरा भाग हरे प्याज का, तेल, सोया सॉस, शक्कर, तिल और थोड़ा नमक। अब मैरिनेट करने के लिए टोफू हमें चाहिए लहसुन, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, शक्कर और 5 स्पाइस पाउडर। तो सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे टोफू को। ऐड करूंगी इसमें ये रेड चिली फ्लेक्स, लहसुन की कलियां, 5 स्पाइस पाउडर। मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच मैरिनेशन के लिए, यह एग्जैक्टली 1 चम्मच भर के 5 स्पाइस पाउडर। यह है 1 चम्मच भर के सोया सॉस जो मैं डाल रही हूं इसमें, 1 बड़ी आधी चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच थोड़ी सी शक्कर, सिर्फ थोड़ी सी, यह है लगभग 1/2 चम्मच शक्कर। मिला लेंगे सब कुछ अच्छे से। एक बार ये अच्छे से घुल जाए, हम इसे साइड पे रख देंगे मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे तक। अब हमने मैरिनेट कर लिया है टोफू को 1 घंटे के लिए, इसे स्टर फ्राई कर लेते हैं। इसीलिए पैन में गरम करेंगे थोड़ा सा तेल, मैंने लिया है 2 चम्मच भर के तेल, तो एक बार तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे ये टोफू। हम इसे पकाएंगे धीमी आंच पर और फ्राई करते रहेंगे इसे दोनों साइड्स पर। ध्यान रखिए कि ये हो धीमी आंच पर। तो अब ये टोफू तैयार है। अब निकालेंगे स्टर फ्राई टोफू एक प्लेट के ऊपर। अब यही पैन में बाकी के बचे हुए तेल में मैं फ्राई कर लूंगी ये तिल। एक बार आप भून लें तिल को, आप भून सकते हैं इसमें गाजर और हरे प्याज को। मैंने डाले हैं गाजर, अब डाल रही हूं हरे प्याज। इसे भून लूंगी मैं 2 मिनटों के लिए। सिर्फ ध्यान रखिए कि आंच हो एकदम कम, ताकि अब जला ना दे इस प्याज को। अब हम इसमें टॉस करेंगे ये नूडल्स। मिला लेंगे सब कुछ अच्छे से। आप ले सकते हैं फोर्क इसकी जगह पे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से घुल जाएं। ये ज्यादा आसान है। एक बार आपने सब कुछ मिला लिया अच्छे से, आप इसमें ऐड करिए सोया सॉस। मैं ले रही हूं 1 चम्मच भर के सोया सॉस। मिला लूंगी अच्छे से। इससे आता है नूडल्स में अच्छा सा ब्राउन चॉकलेट, लाइट चॉकलेट रंग, आप इसे कह सकते हैं डार्क ब्राउन काला। हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर शक्कर
और फिर मैं डाल रही हूँ चुटकी भर नमक इसमें। मिला लेंगे अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं ये टोफू। मिला लेंगे अच्छे से और गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर तो मेरा बारबेक्यू टोफू विद सेसमी नूडल्स अब तैयार है। आप इसे अच्छे से गार्निश कर सकते हैं हरे प्याज के साथ और सर्व करिए इसे गर्मा गर्म अपने पसंद के सॉस के साथ। तो जाइए और आज ही बनाइएगा इसे आप।